बालकनी है, तो आप यहाँ पर झूला लगा के भी अमेजिंग, बहुत ही बड़ा क्लब हाउस है एंड बहुत सारी इसमें एमिनिटीज है, ये सारे विलाज है। लुक एट दिस पिक्चर। जो डेली वर्कआउट करते हैं मेरी तरह उनको यहाँ अगर स्टे भी कर रहे तो कोई दिक्कत नहीं आने वाली। पूरा मिनी थिएटर है जिसका नाम है सिनेमेजिया एंड वहाँ पर टीटी टेबल है और ये है स्टीम एंड सोना बाट। खाना भी बहुत अच्छा था, एक्टिविटी जोन भी यहाँ पर बहुत सारी है। सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो जैसा कि मेरी सीरीज चल रही है कि प्लेस टू विजिट इन सूरत, तो आज मैं आपको एक ऐसा विला दिखाने वाला हूँ जहाँ आप वन डे पिकनिक स्पॉट अपने फैमिली के साथ प्लान कर सकते हैं एंड ये बहुत ही बजट फ्रेंडली प्राइस में है। 3000-4000 रुपये में आप अपने वन डे पिकनिक का यहाँ प्लान कर सकते हैं। तो चलिए आपको दिखाता हूँ पूरा वीडियो एंड अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा एंड हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो गाइज हम लोग आपको लेकर आए हैं रियो कॉलिना। ये एक वन डे पिकनिक स्पॉट हो सकता है, आपका वीकेंड गेटवे हो सकता है एंड यहाँ पर विलास भी है। ये नियर बाय सूरत ही है, 1 घंटे के डिस्टेंस पे आपको मिल जाएगा, 40 किलोमीटर का रास्ता है मेन सिटी से। केकेबी ग्रुप का है एंड बहुत ही बड़ा ह्यूज विला है। सारी एमिनिटीज आपको दिखाता हूँ, पहले अंदर आपको लेके चलता हूँ। तो गाइज ये है इनका प्लेटिनम विला, बहुत ही खूबसूरत बनाया गया है जैसा कि आप देख पा रहे हो। पूरा ग्रीस एंड ब्रिटिश सिमेट्री रहती है उस टाइप का इसका लोकेशन है एंड एम्बियंस बनाया गया है। सो ये है इनका प्लेटिनम कैटेगरी। सो ये है प्लेटिनम विला का अंदर का पूरा इंटीरियर। ये आपको मिलेगा डाइनिंग एरिया, मतलब आप यहाँ पर फैमिली के साथ चिल कर सकते हैं। पूरा किचन वाला पार्ट, यहाँ एक प्राइवेट स्विमिंग पूल भी आपको मिल जाएगा, 3 BHK है। ये रहा फर्स्ट बेडरूम, ये आ गया वॉशरूम, एम्बियंस भी काफ़ी अच्छा है। बालकनी रहेगी, एक छोटी सी बालकनी है तो आप यहाँ पर झूला लगा के भी बैठ सकते हैं। ये है दूसरा रूम, अटैच वॉशरूम, और अभी आएगा तीसरा। सो ये है थर्ड हमारा बेडरूम विथ अटैच वॉशरूम, ये बहुत ही बड़ा वॉशरूम है अभी तक का। तो गाइज ये था प्लेटिनम विला इनका, अभी हम लोग चलेंगे इनके डायमंड विला पे। तो गाइज ये है इनका डायमंड विला और ये करीबन 300 स्क्वायर फीट है, वो वाला था वो 400 स्क्वायर फीट का, मतलब साइज का डिफरेंट है, बाकी ऑल ओवर जो है वो एमिनिटीज सारी सेम रहेंगे। यहाँ भी एक प्राइवेट स्विमिंग पूल है एंड 3 BHK तो रूम है ही, सो बस साइज का डिफरेंट है, लेकिन प्लेटिनम सबसे बड़ी कैटेगरी है इनकी। सो ये है डायमंड कैटेगरी के रूम्स, ये रहा 1 BHK उनका फर्स्ट। ये आ गया किचन एरिया, ये आ गया बाथरूम जहाँ पर एक कॉमन रूम है पूजा एंड उसके लिए, एंड ये आ गया उनका सेकेंड रूम, ये स्टोर रूम है, और ये आ गया तीसरा रूम। सो ये भी 3 BHK है, अटैच वॉशरूम। बस ये थे इनके दोनों विला। प्लेटिनम की प्राइस करीबन स्टार्ट होती है 1 crore 1 CR से एंड जो गोल्ड वाली है वो करीबन 80-90 लाख में आपको 3 BHK मिल जाएगी। सो साइज़ का फ़र्क है, बाकी ऑलमोस्ट सारी फैसिलिटी सेम है। सो ये हमारी कार्ट है जो हमें लेके जाएगी क्लब हाउस तक, और ये है हमारी मैडम जी, बहुत ही एग्जैक्टली एंड मतलब ऐसा बंद बंद नहीं रहता है। एंड भैया ने हमें बताया कि अभी तो बहुत सारी एक्टिविटी होगी पूरे दिन में। तो करीबन यहाँ पर 104 विलाज है जिसमें से ऑलमोस्ट 90% तो सोल्ड आउट हो चुके हैं। सो ये आ गए हम लोग क्लब हाउस पे, रियो कॉलिना। या वाव अमेजिंग, बहुत ही बड़ा क्लब हाउस है एंड बहुत सारी इसमें एमिनिटीज है। सो ये है पूरा मैप क्लब हाउस का, प्लेटिनम विला, डायमंड विला एंड क्रिस्टल विला भी है जो हमें पता नहीं अभी तक। ये है क्लब हाउस, हम लोग यहाँ पर है एंड ये सारे विलाज है, बाजू में से जाता है रिवर। सो बहुत ही अमेजिंग सा इन्फिनिटी पूल का भी आपको व्यू मिलेगा। सो अभी वन बाय वन सारी चेकआउट करेंगे। सो गाइस अभी हम लोग जा रहे हैं क्लब हाउस के अंदर और वहाँ की चेकआउट करते हैं। सो ये है क्लब रियो कॉलिना, ये है इनका रिसेप्शनिस्ट एरिया, बहुत ही ब्यूटीफुल सा बनाया है। सो ये है इनका वेटिंग रूम एरिया जहाँ पर आपका रिसेप्शनिस्ट टाइम पे वेटिंग कर सकते हैं एंड यहाँ से ऊपर जाता है पूरा इनका एक्टिविटी जोन। सो अभी वो हम देखेंगे वन बाय वन। बाजू में है रेस्टोरेंट एरिया लेकिन वो मैं आपको लंच के टाइम पे दिखाऊंगा। सो इस क्लब हाउस में सबसे पहली जो एमिनिटी है वो है हम लोग जा रहे हैं लाइब्रेरी एरिया। सो ये है इनका पूरा लाइब्रेरी एरिया, बहुत ही ब्यूटीफुल सा बनाया है ये भी। यहाँ से आप
बाहर का पूल वाला जो नजारा है वो भी इंजॉय कर सकते हैं। सीटिंग अरेंजमेंट काफी बढ़िया है, कंफर्टेबल बैठ सके इसके लिए आपको सोफा भी दिए गए हैं। एंड ये सारी इनकी बुक्स की कलेक्शन है, तो आप अपने हिसाब से जो भी चाहिए वो बुक यहाँ पर फ्री टू रीड है, कोई एक्स्ट्रा चार्जेस नहीं इसमें, तो आराम से यहाँ पर पढ़ सकते हैं, कोई आपको डिस्टर्ब नहीं करेगा। अभी चलते हैं नेक्स्ट वाले। सो गाइस नेक्स्ट जो है वो है ब्लैक जैक यानी कि पोकर रूम, और यहाँ पर बहुत ही अमेजिंग सा चीज़ जो हमें मिला है वो है ये, मतलब रियल पोकर आप यहाँ पर खेल सकते हो, कॉइन्स है, कार्ड्स है, प्राइजेस है। सो ये पूरा पोकर रूम है, तो अपने फ्रेंड्स के साथ यहाँ पर आप खेल सकते हो। आई बेट यू कि यहाँ पर आपको बहुत ही मजा आने वाला है इस रूम में। सो गाइस अभी जो नेक्स्ट है वो है कैंडी रूम। कैंडी रूम है छोटे बच्चों के लिए, 3 या 4 साल के अंदर के बच्चों के लिए। पूरा यहाँ पर इंडोर गेम जोन बनाया गया है, बहुत ही ब्यूटीफुल वाइब्रेंट कलर यूज़ किए गए हैं, एंड छोटे बच्चे आप आराम से यहाँ पर रख सकते हो क्योंकि इनके साथ केयरटेकर भी रहेंगे, तो वो लोग आराम से यहाँ पर अपना डे स्पेंड कर पाएंगे। लुक एट दिस पिक्चर, स्लाइडर्स है, जंपिंग जैक है, वो सारी चीज़ें यहाँ पर मौजूद है। तो ये था कैंडी हाउस, अभी हम लोग नेक्स्ट चलेंगे एक बड़े गेम जोन की ओर जहाँ पर पूल एंड बाकी सारी एक्टिविटी जोन है। सो गाइस नेक्स्ट जो हम लोग आए हैं वो है इनका सेंटर कोर्ट एरिया, यहाँ पर आपको बहुत सारी एक्टिविटी मिल जाएगी, जैसे कि ये है पहले तो फुटबॉल, फिर यहाँ पर है चेस, उसके बाद में है कैरम, उसके बाद यहाँ पर पूल टेबल है एंड वहाँ पर टीटी टेबल है। सो ढेर सारी इंडोर एक्टिविटी भी यहाँ पर शामिल है, सो आप अपने फ्रेंड्स के साथ यहाँ पर बहुत ही अच्छा टाइम स्पेंड कर पाएंगे। सो अभी हम लोग थोड़ा खेलेंगे पूल एंड टीटी। सो गाइस अभी हम लोग आए हैं योगा एंड जिम सेंटर में, यहाँ पर ये पूरा योगा क्लास है एंड यहाँ पर सारे जिम इक्विपमेंट है, तो आप यहाँ पर वर्कआउट भी कर सकते हैं। जो डेली वर्कआउट करते हैं मेरी तरह उनको यहाँ अगर स्टे भी कर रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं आने वाली। तो गाइस नेक्स्ट जो है वो है यहाँ पर सिनेमा हाउस जी गाइस, जहाँ पर एक पूरा मिनी थिएटर है जिसका नाम है सिनेमेजिया। सो ये है स्क्रीन 1 एंड यहाँ पर है स्क्रीन 2, सो 2 स्क्रीन है। सो ये है मिनी थिएटर, कम से कम आराम 50 लोग 60 लोग बैठ सके उतना थिएटर है, एंड यहाँ पर अभी मूवी चालू होगी। सो इन हाउस पूरा थिएटर भी यहाँ पर शामिल है। सो गाइस ये है इनका स्टीम एंड सोना बाथ, ये है पूरा चेंजिंग वाला एरिया, ये है स्पा एरिया, ओहो पूरा बड़ा सा जकूजी है यहाँ पर, हॉट पानी है शायद, जी हाँ, और ये है स्टीम एंड सोना बाट। सो ये सारी एडिशनल फैसिलिटी भी यहाँ पर मौजूद है, सो आप इसको भी यहाँ पर कुछ चार्जेस देके अडॉप्ट कर सकते हो। सो गाइस अभी हम लोग आए हैं इनके रेस्टोरेंट में और यहाँ पर अभी हम लोग करेंगे लंच, तो सबसे पहले ले लेते हैं हमारे प्लेट। तो गाइस ये है हमारा लंच, हमने लिया है सूप, मंचूरियन, पनीर की सब्जी है, मिक्स वेज सब्जी है, तंदूरी रोटी है, पापड़ है एंड सलाद है। इसके अलावा डेजर्ट में गुलाब जामुन भी था एंड राइस एंड दाल भी है, लेकिन हम लोग पहले इतना कंप्लीट करेंगे। अभी लंच किया है, अभी थोड़ी देर रेस्ट करेंगे क्योंकि अभी बहुत टाइम बाकी है, थोड़ा सनसेट हो जाए, अभी धूप बहुत ज़्यादा है, उसके बाद हम लोग जाएंगे स्विमिंग पूल में। और अभी हम लोग जा रहे हैं हमारे कॉटेज की ओर, रास्ते में मुझे ये साइकिल्स भी दिखी, तो ये इतना बड़ा विला है कि यहाँ पर साइकिल्स भी प्रोवाइड की गई है, सो आपको साइकिल पे भी अगर कहीं पे घूमना हो तो घूम सकते हैं। मैं थोड़ी आजू बाजू के आपको एमिनिटीज दिखाता हूँ, गार्डन एरिया है यहाँ के, सेल्फी पॉइंट है, एंड उसके अलावा जो यहाँ का उनका जो रिवर है बाजू में उससे बहुत ही अमेजिंग सा एक व्यू आता है, फोटोज़ क्लिक कर सकते हो, तो वो सारी चीज़ें अभी मैं कवर करूँगा। उसके बाद हम लोग थोड़ा रेस्ट करके जाएंगे फिर से टेरेस पे एंड मैं आपको स्विमिंग पूल वाला पूरा।
सो गाइस अभी हम लोग जा रहे हैं इन्फिनिटी पूल के अंदर। दिखाता हूँ मैं आपको कैसा है जाकर इन्फिनिटी पूल। ये है पूरा इन्फिनिटी पूल। इन्फिनिटी पूल इसलिए क्योंकि ये पूल है एंड आगे भी आपको पूल जैसा ही पूरा व्यू मिलता है जो नदी का है। बहुत ही मज़ा आया स्विमिंग पूल में। अमेजिंग सा सनसेट भी इंजॉय किया एंड रिलैक्स फील किया बहुत टाइम के बाद। सो अभी तो ऑलमोस्ट नाइट होने वाली है, इवनिंग होने वाली है, सनसेट हो चुका है। तो अभी बीच में एक आध घंटा थोड़ा खेलेंगे। यहाँ पर एक्टिविटीज़ बहुत सारी है तो कोई एक्टिविटी करेंगे, उसके बाद डिनर करेंगे। डिनर के बाद देखते हैं आगे क्या प्लान बनता है। सो एज डिनर में हमने ऑर्डर किया था दाल राइस एंड पनीर की एक कोरमा सब्जी थी एंड सूप था। सो जस्ट अभी डिनर फिनिश किया है एंड अभी हम लोग निकलेंगे घर की ओर। बहुत ही अच्छा रहा, बहुत ही अमेजिंग सा एक्सपीरियंस था। सो गाइज अभी रात के 10 बज चुके, हम लोग मॉर्निंग में 10 बजे आए थे एंड एग्जैक्टली अभी बोल सकते हैं 12 घंटे हो गए। मतलब वन डे पिकनिक स्पॉट जो मैंने बोला था सूरत नियर बाई, वो एक्चुअल में हो चुका है कम्प्लीट यहाँ पर। एंड बहुत ही अच्छा अमेजिंग सा एक्सपीरियंस रहा, खाना भी बहुत अच्छा था, एक्टिविटी जोन भी यहाँ पर बहुत सारी है। तो बुकिंग डिटेल्स मैं आपको नीचे डाल लूँगा, आप यहाँ पर ये फ़ोटो पे स्टॉप करके देख सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, या तो फिर नंबर भी मैं दे दूँगा तो आप नंबर पे कांटेक्ट करके डिटेल्स पूछ सकते हैं कि क्या क्या प्राइसिंग है। 3 अलग अलग प्राइसिंग है हर प्लेटिनम डायमंड एंड कॉटेज के लिए। और अभी होली स्पेशल भी इनका एक पैकेज है तो वो भी मैं नीचे मेंशन कर दूंगा। सो आप बुकिंग से पहले ज़रूर से इसको चेकआउट कीजिएगा। वीडियो कैसा लगा ज़रूर से मुझे बताइएगा। अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा एंड चैनल को हमारे ज़रूर से सब्सक्राइब एंड कमेंट ज़रूर से कीजिएगा कि आपको वीडियो में अच्छा लगा। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, गुड नाइट।